सो नाउ वी आर मेकिंग अवर मिक्स फ्रूट केक। जी हाँ, आप लोगों की डिमांड पे हमने लेकर आया आपके लिए मिक्स फ्रूट केक। और ये हमने ले लिया एक वेनिला स्पॉन्ज। अब आप सोच रहे होंगे वेनिला स्पॉन्ज कैसे बनेगा, तो वेनिला स्पॉन्ज की रेसिपी मैंने ऑलरेडी दे दी है, तो जाके चेक कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड ये देखिए, ये हमने स्पॉन्ज को पहले लेवल करना है, बिकॉज अक्सर स्पॉन्ज जब बेक होके निकलते तो शेप में थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, सो यू हैव टू फिक्स दैट। ठीक है, तो हम इस तरह से कट करेंगे, हम ऐसे करेंगे एंड विल टिल्ट डाउन एंड विल चेक। नाउ इट्स लेवल, अब हम इसे टॉप पे कट कर लेंगे। एक स्कीन का जो लेयर है टॉप का, वो भी हटा लेंगे हम। ये देखिए, नाउ लेट्स कट इनटू द थ्री लेयर्स। हम टॉप पे हाथ रखेंगे ब्रेड नाइफ से, पतला लेयर ऐसे लेंगे, साइड पे कटिंग कर लिया। नाउ कट इनटू द सेंटर एंड ये देखिए सही लेयर्स आ रहे हैं। यस, इसी तरीके से वी विल कट ऑल द लेयर्स। हमें एक स्पॉन्ज में से तीन लेयर निकालने हैं। मैंने ये 6 इंचेस का स्पॉन्ज लिया है। ये देखिए, से हमने हमारा ले लिया है फर्स्ट लेयर, इसको हम रख देंगे एंड लेट मॉइस्चर इट वेल। इसको हम अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे। मेक श्योर यू मॉइस्चर इट नाइसली, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छे से स्पॉन्ज मॉइस्ट होगा ना, उतना आपका केक का टेस्ट अच्छा लगेगा। तो ये हमने इसको अच्छे से मॉइस्ट कर दिया है, और आपके सारे लेयर आप मॉइस्ट करोगे, लेकिन वन बाय वन करके आप चेक करना है अच्छे से मॉइस्ट हुआ। नाउ विल पुट क्रीम ऑन दिस। ये हमने क्रीम लगा लिया। आप एक और चीज़ कर सकते हो फ्लेवरिंग करने, आप अपनी क्रीम के अंदर इमल्शंस आते हैं मार्केट में, बेसिकली क्रीम के फ्लेवर्स होते हैं वो, तो आप वो क्रीम में मिक्स कर सकते हो, जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिक्स फ्रूट केक में, ब्लूबेरी फ्लेवर एंड देन मैंगो फ्लेवर, इट टेस्ट रियली नाइस। ठीक है, so ये हमने कर लिया। ये हमने ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा पाइनएप्पल पल्प। आप पाइनएप्पल के पल्प ले लो, या फिर पाइनएप्पल फीलिंग ले लो, या पाइनएप्पल क्रश ले सकते हो, या बेसिकली आप पाइनएप्पल को बॉईल करके भी यूज कर सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। अब हम मिक्स फ्रूट केक बना रहे हैं ना, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा खासियत क्या ध्यान रखनी है पता है आपको आपके मिक्स फ्रूट केक में, कि उसके फ्लेवर्स ना एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया हो, जैसे कि एक फ्रूट खट्टा हो दो मीठे हो, तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो हमने ले लिया पाइनएप्पल, ठीक है, जो हल्का सा खट्टा साइड जाएगा, इट विल टेस्ट रियली नाइस। ये हमने ले लिया है एप्पल, थोड़ा सा हम एप्पल डालेंगे एंड इसको भी हम स्प्रेड कर लेंगे। एंड ये हम ऐड कर देंगे पोमोग्रेनेट। ये हमने ऐड कर लिया, ठीक है, बेसिकली हमारे अनार के दाने। एंड लुक एट दिस लेयर, कितने परफेक्ट है ना। सो इस तरीके से ये लेयर्स को हम सेकेंड लेयर हमारे स्पॉन्ज का ऐड कर लेंगे एंड विल प्रेस इट हल्के से एंड लेट मॉइस्चर इट अगेन। हमने इसे अच्छे से मॉइस्ट कर लिया। नाउ लेट्स अप्लाई सम मोर क्रीम ऑन द टॉप। एंड लेट्स रिपीट द सेम। हमने पाइनएप्पल डाल दिया, इसको हम स्प्रेड कर लेंगे। हमने एप्पल डाल दिया, लेट्स स्प्रेड इट एज वेल। एंड लेट्स पुट सम अनार के दाने, बेसिकली प्रोमोग्रेनेट, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर लिया एंड इसको हम स्प्रेड कर लेंगे। अब फाइनल लेयर ऑफ स्पॉन्ज, एंड ये हमने ऐड कर लिया, लेट्स मॉइस्ट इट अगेन। ये हमने ले लिया छोटा सा पैलेट नाइफ और हम इसे कर लेंगे क्रम कोट। हमेशा केक को क्रम कोट करने के बाद एज अ बिगनर आपको ठंडा करना है फॉर 10 to 20 मिनट्स। तो उससे क्या होता है पता है, आउटकम बहुत अच्छा आता है। एक बार आप प्रोफेशनल हो गए तो आप क्रम कोट ना भी करो तो चलेगा, क्रम कोट करने के बाद ठंडा ना करो तो चलेगा, क्रम कोट तो करना है, क्योंकि क्रम कोट से क्या होता है क्रम सेटल डाउन हो जाते हैं, फिर आपकी आइसिंग है ना प्रोफेशनल होने लगती है, आपके आइसिंग में क्रम्स यहाँ वहाँ नहीं होते। तो ये हो गया क्रम कोट। अब इस स्टेज पे आप क्या करोगे एज अ बिगनर, इसको फ्रिज में एक 10-15 मिनट रख दोगे, ताकि आपका आउटकम बहुत नीट है, ठीक है। चलिए अब फाइनल कोटिंग।
ये हमने फुल्ली केक को कवर कर लिया है। नाउ व्हाट विल डू इज, इसको पहले हल्के से क्रीम को अप्लाई कर लेंगे, सी इस तरीके साइड्स पे, ताकि साइड से क्रीम निकले ना। ये देखिए हमने रफली क्रीम को अप्लाई कर लिया है। अभी हम इसे देने वाले डोम शेप। तो डोम शेप के लिए हमें क्या करना है, सिंपली वी नीड अ स्क्रैपर, अ स्मूथ स्क्रैपर। सो चलिए स्मूथ स्क्रैपर ले लेते हैं। अब हम इस स्मूथ स्क्रैपर से क्या करेंगे, सिंपली देख रहे हो मैंने कैसे होल्ड किया, ऐसे बेंड करके, तो ऐसे बेंड करके होल्ड करेंगे। ये देखिए हमारा केक डोम शेप में हो रहा है। क्विक, अब जहां जहां हमारी क्रीम एक्स्ट्रा निकल रही है वहां हम थोड़ी क्रीम लगा देंगे। एंड मेक श्योर करना है स्क्रैपर आप बार बार क्लीन करते जाओ। बोर्ड पे से भी सारी क्रीम हटा लेंगे पहले, एंड आई चेक कहां कहां क्रीम और होल्स दिख रहे हैं। तो जहां जहां होल्स दिख रहे हैं वहां मैं थोड़ी थोड़ी सी क्रीम ऐड कर लूंगी ताकि वो होल्स फिल हो जाए। ठीक है, सी जहां क्रीम लगकर बहुत ज्यादा निकल रही है हम पैलेट नहीं फेंकेंगे, पहले इसको स्मूथ करके वहां क्रीम को लगा लेंगे, इसे रब करके, ताकि वहां से क्रीम बार बार हटे ना। एंड नाउ विल टेक अ स्क्रैपर एंड विल गिव अ शेप टू इट। और आपको पता है विप क्रीम को स्मूथ शेप देने के लिए क्या किया जाता है, आपको हैक नहीं पता, एलडेली। वेट, अब हमने ये कर लिया, अब इसे एकदम हमें स्मूथ टेक्सचर देना है। दिस इज नॉट स्मूथ, ये जस्ट अभी राउंड बन रहा है, बट जो क्लीन लुक होता है ना वो अब क्रिएट करेंगे आप। पहले एक बार स्ट्रक्चर बन जाए देन वी कैन डू द क्लीन लुक, बट पहले हम इसे क्लीन कर लें दिस स्क्रैपर। ठीक है, अब क्या करना है, चाहे आपके पास शुगर सिरप हो या नॉर्मल वाटर हो केक पे स्प्रे कर लो टू गिव अ क्लीन नीट लुक टू योर केक। जी हाँ, वाटर से जो विप क्रीम है ना बहुत नीट शेप में आ जाती है एंड बहुत अच्छी लगने लगती है। सो बेसिकली इट विल गिव यू अ शाइनी स्मूथ टेक्सचर टू योर केक। ये देखिए स्मूथ टेक्सचर आया जा रहा है केक का, वी आर अचीविंग दैट। देखिए बार बार स्क्रैपर क्लीन करना है, if you don't clean your scraper you won't get the good look। now can you see ye acche se round sa dough cake ban chuka hai। ye hamara cake to icing karke ready hai। now let's put some neutral gel on it, aur jo bakery mein jo look hota hai na gel style create karte hain hum wo karenge। तो एक बाउल में हमने ले लिए न्यूट्रल जेल, और न्यूट्रल जेल में हमने ऐड किया है 2 चम्मच जितना पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। एंड विल ऐड सम अमाउंट ऑफ जेल कलर इन दिस, आप फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हैं, बट राइट नाउ आई एम एडिंग जस्ट जेल कलर टू गिव अ कलर टू माय न्यूट्रल जेल। ठीक है, ब्लू कलर का हमारा न्यूट्रल जेल हो गया है ना, सो हमारा न्यूट्रल जेल रेडी है। नाउ लेट्स पॉर दिस ऑन अवर केक। So, ये हमने न्यूट्रल जेल को डाल लिया है पाइपिंग बैग में, एंड लेट्स कट दिस, और हम हमारे केक को कवर कर लेंगे इससे अच्छे से। ये देखिए हमने केक को कवर कर लिया है। नाउ विल टेक अवर स्मूथ स्क्रैपर एंड इसको पूरे में अच्छे से फिनिश दे देंगे। ये देखिए जहां जहां पर हमें लग रहा है कलर नहीं है, जेल नहीं गया, विल पुट सम अमाउंट ऑफ जेल देयर एज वेल। ठीक है, तो हमने थोड़ा थोड़ा सा जेल डाल दिया वहां पर। विल क्लीन द स्क्रैपर, मेक श्योर यू क्लीन योर स्क्रैपर। ठीक है, हाँ सो नाउ आई एम टेकिंग अ वेनिला ग्लेज इनटू द पाइपिंग बैग, और हम वेनिला ग्लेज से टॉप पे डिजाइन करेंगे। नथिंग मच, एक छोटा सा वेब बनाना है ताकि उसको एलिगेंट सा लुक मिल जाए। देखिए छोटा सा वेब क्रिएट करेंगे, और अगर वेब बनाते हुए बाई चांस आपके हाथ से ज्यादा कभी आड़ा टेढ़ा भी क्रिएट होता, लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं क्रिएट होता, यू डोंट नीड टू वरी, बिकॉज वो बहुत ईजी है। आप जब लाइंस करोगे ना तो ईजिली कवर हो जाएगा, सो यू डोंट नीड टू वरी कि नहीं मैम का ऐसे हुआ तो मेरा भी होना चाहिए। अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है, आप जब ये स्कीवर से डिजाइन करोगे आप खुद बोलोगे ये तो बहुत ईजी टेक्निक है और ये अच्छा भी बन गया।
ये देखिए, बड़ा स्मूथ एंड क्विक ना। ये देखिए इस तरीके से आप डिजाइन बना के सेंटर में आप अगर चॉकलेट केक है आप चॉकलेट डाल दीजिए, फ्रूट केक है सेंटर में फ्रूट रख दीजिए, वॉट एवर डिजाइन यू वॉन्ट टू लाइक यू कैन डू दिस, है ना इजी पीजी। ये बन गया हमारा केक एंड लुक एट दिस, दिस लुक्स प्रिटी ना। तो आप भी घर में ट्राई करना एंड डू लेट अस नो कैसा बना।